हेलो एवरीवन, दिस साइड मनी सचदेवा। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक, सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलन फंक्शन। लास्ट टाइम हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था जिसमें हमने एसओपी टर्म्स एंड पीओएस फॉर्म के बारे में पढ़ा था, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म एंड प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म के बारे में, और इनके अलावा हमने कंसेप्ट ऑफ मिन टर्म एंड मैक्स टर्म के बारे में देखा था। तो आज हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं कि लास्ट टाइम हमने क्या क्या वीडियो में डिस्कस किया था। तो हमने ये चीज पढ़ चुके हैं कि कंसेप्ट ऑफ मिन टर्म एंड मैक्स टर्म। मिन टर्म क्या होता है? ईच इंडिविजुअल टर्म इन द एसओपी फॉर्म इज कॉल्ड मिन टर्म। इंडिविजुअल टर्म, ये एसओपी फॉर्म है हमारे पास। इसमें जो इंडिविजुअल टर्म है वो कौन कौन सी है? ये वाली, इसको हम प्रोडक्ट टर्म भी बोलते हैं। ये तीन प्रोडक्ट टर्म्स है, इनको हम मिन टर्म के नाम से भी बुला सकते हैं। ठीक है, वी कॉल इट एज अ मेन टर्म्स। ऐसे ही मैक्स टर्म क्या होता है? ईच इंडिविजुअल टर्म इन द स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म। अब पीओएस फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में, ये हमारे पास पीओएस का एक्सप्रेशन है। इसमें दो टर्म्स हैं जिसको हम सम टर्म्स भी बोलते हैं। इसमें जो इंडिविजुअल टर्म्स होंगी वो हम, इट इज कॉल्ड एज अ मैक्स टर्म। राइट, सो नेक्स्ट ये अब क्यों यूज करते हैं वो आगे पढ़ेंगे हम। अब ये जैसे ट्रुथ टेबल टू मैक्स टर्म या मिन टर्म बनाना हो, वो हमें पता होना चाहिए ट्रुथ टेबल से कैसे मैक्स टर्म या मिन टर्म बना सकते हैं। तो ये हमारे पास तीन वेरिएबल का ट्रुथ टेबल है जिसमें एट कॉम्बिनेशंस बनेंगे, वी नो दैट, राइट। और एट कॉम्बिनेशंस में से कैसे हम उसको मिन टर्म निकाल सकते हैं और कैसे मैक्स टर्म निकाल सकते हैं वो हमें आना चाहिए। मिन टर्म्स निकालने के लिए जहां पे जीरो होगा वहां पे वेरिएबल के साथ बार लगाएंगे हम, और मिन टर्म को हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये जीरो पोजीशन है, जीरो 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 इसकी, इसलिए m जीरो लिख दिया इसको छोटा, और इसको डिनोट किया a बार b बार c बार से। सेम एज अगर वन 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 हो तो उसको हम a b c से डिनोट करेंगे। जहां पे वन आएगा मिन टर्म को बार नहीं लगाना है, जहां पे वन जीरो आता है वहां पे मिन टर्म पे बार लगाते हैं और उसको उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंगली हम डिनोट करते हैं। मैक्स टर्म में उल्टा हो जाता है। मैक्स टर्म में सबसे पहले तो हमें सम टर्म्स निकालनी होती है। ठीक है जी, हर इंडिविजुअल टर्म जो बनेगी वो सम टर्म होगी। सम टर्म मतलब हर किसी के बीच में और ऑपरेशन होगा, और यहाँ पे जीरो को हम बार नहीं डिनोट करेंगे, नॉर्मल वेरिएबल की तरह डिनोट करेंगे। और जहाँ पे वन लगा होगा, जैसे वन 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 है, इसको हम डिनोट करेंगे बार के साथ, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, जिसको हम कैपिटल एम के साथ डिनोट करेंगे इन द मैक्स टर्म्स, राइट। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे इनके बारे में। अब ऐसे ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया है ऊपर, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, फिर अगेन थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। ये हमारे पास एक एसओपी फॉर्म है, इसमें से उन्होंने बोला है मिन टर्म निकालनी है। तो ये तीन टर्म्स हैं इंडिविजुअल, ए बी सी, ए बार बी सी, ए बी बार सी बार। अब इसमें से ए बी सी जो है ये बेसिकली वन 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 को डिनोट करते हैं, तो वन 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 मतलब सेवन होता है, तो ये मिन टर्म की सेवन लोकेशन है। और ए बार बी सी, ए बार लगाए तो यहाँ पे जीरो होगा, बी सी वन वन होगा, जीरो वन वन इज थ्री, तो ये एम थ्री को डिनोट करता है। नेक्स्ट इज ए बी बार सी बार, इसमें हम ए को वन लेंगे, बी को जीरो लेंगे, सी को जीरो लेंगे, वन जीरो जीरो दैट डिनोट्स द फोर इन बाइनरी, तो ये एम फोर को डिनोट करेगा। तो हम इस मेन टर्म एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकेंगे। और इसमें से ये जो सम है, ये सिंबल जो है, ये हमें एसओपी का डिनोट करता है। ठीक है, जब भी ऐसा कोई आपको सिंबल दिखेगा तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि वो एसओपी फॉर्म में एक्सप्रेशन बनेगा, राइट। और वो मिन टर्म्स है, ये स्मॉल एम जो है ये मिन टर्म्स है। ऐसे ही दूसरा एक्सप्रेशन दिया है, इसमें ये सारी सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म है, मतलब ये सम टर्म है इंडिविजुअल, इसको हमने मैक्स टर्म में लिखना है। मैक्स टर्म में कैसे लिखेंगे? ए, अब यहाँ पे ये अकेला दिया है मतलब ये जीरो है, जहां पे बार दिया होगा वो वन वाली टर्म होगी, तो ये जीरो वन जीरो होगा। जीरो वन जीरो बेसिकली टू को डिनोट करती है, तो ये मैक्स टर्म की सेकंड पोजीशन है। नेक्स्ट है ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों जीरो होंगे तो ये एम जीरो बन जाएगा। नेक्स्ट इज ए बार प्लस बी बार प्लस सी, ये ए बार है वन, बी बार है वन, सी अकेला है जीरो, तो वन वन जीरो, ये सिक्स बनता है, वन वन जीरो, तो ये एम सिक्स बन जाएगा। तो इसको हम ऐसे डिनोट कर सकेंगे, असेंडिंग ऑर्डर ले लिया जीरो टू और सिक्स का, और इसको हम ये जो सिंबल है ये प्रोडक्ट का सिंबल है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ सम इससे पता चलेगा, और एम जो है कैपिटल, ये बेसिकली मैक्स टर्म डिनोट करता है। तो ये लास्ट टर्म हम डिस्कस कर चुके थे।
नेक्स्ट करते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है राइटिंग स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन फॉर गिवन ट्रुथ टेबल। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है राइटिंग स्टैंडर्ड एसओपी एक्सप्रेशन फॉर अ गिवन ट्रुथ टेबल। हमने एक ट्रुथ टेबल दिया होगा, उसमें से एसओपी एक्सप्रेशन लिखना है हमने। वापस अभी हम जो किया था वो एसओपी एक्सप्रेशन से मीन टर्म्स निकाली थी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ जी। अब हमारे पास ट्रुथ टेबल दिया होगा, ट्रुथ टेबल से हमने एसओपी एक्सप्रेशन बनाना है। वो कैसे बनाएंगे, बहुत इजी है, उसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट क्या है, कंसिडर ओनली दोज कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स विच कॉरेस्पॉन्डेंस टू वाई इज इक्वल टू वन। हमने सिर्फ आउटपुट चेक करनी है और आउटपुट में वही वाले कंसिडर करने हैं ट्रुथ टेबल में जिसमें आउटपुट इज इक्वल टू वन आएगी। हमें पता है ट्रुथ टेबल की दो तरह की आउटपुट हो सकती है, मतलब जो इनपुट्स है वो तो कॉम्बिनेशनल होते हैं, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पे दो इनपुट्स और एक आउटपुट ले रहा हूँ, यहाँ पे आउटपुट है, अब आउटपुट पे या तो जीरो आएगा या वन आएगा, ठीक है जी। तो अब वो कह रहे हैं कि हमने वो वाले कंसिडर करने हैं आउटपुट जिसमें y इज इक्वल टू वन है, मतलब जहां पे y इज इक्वल टू वन होगा वो हमने अलग से नोट डाउन कर लेने। नेक्स्ट, राइट डाउन ए प्रोडक्ट टर्म फॉर ईच कॉम्बिनेशन। अब जो भी आउटपुट पे वन वाली टर्म होंगी, जो भी हमारे पास वो इनपुट्स होंगी, उसका हम प्रोडक्ट टर्म लिख लेंगे, मतलब मिन टर्म लिख लेंगे, उसकी मिन टर्म हमें बनानी आनी चाहिए, वो हम लास्ट टाइम कर चुके हैं। देन लास्ट में सबको प्लस कर देना, मतलब और कर देना, ठीक है। तो और करेंगे, अब कैसे बनेगी वो, क्या बन जाएगा स्टैंडर्ड एसओपी, वो उसकी एग्जांपल से आपको क्लियर होगा। जैसे ये एक ट्रुथ टेबल दिया हमारे पास, सॉरी ये ट्रुथ टेबल है, इसको नोट डाउन करिए। अब ये ट्रुथ टेबल से हमने एसओपी एक्सप्रेशन बनाना है, मतलब हमने यहीं से एक एक्सप्रेशन बनाना है जो काम आएगा। हमने क्या करना है, सबसे पहले वाई की वन वाली टर्म्स को नोट डाउन अलग से रख लेना है। हमें पता है ये दो है जिसमें वाई वन आ रहा है, तो सबसे पहले ये वाई वन को हमने अलग कर लेना है। अब ये जीरो है, ए बी वन है, मतलब इसको क्या लिखेंगे, इसको प्रोडक्ट टर्म बनाना है। नेक्स्ट स्टेप हमारा जो कहता है वो क्या बनेगा, ए जीरो है दैट मींस ए बार, बी वन है तो मतलब ए बी, ठीक है, ये इसकी हो गई। अब इसकी बनाएंगे, इसकी क्या आएगी, ए वन है तो ए को एज इट इज लिख दिया, बी जीरो है तो बी बार लिख दिया, तो ये हमारे पास ये टर्म बन के आ गई, ठीक है। सेकेंड स्टेप ये हो गया कि दोनों की मिन टर्म बना ली। थर्ड स्टेप क्या कहता है, और कर दो दोनों को, दोनों को और कर दिया तो हमारे पास आउटपुट क्या आ गई, ये हमारा एसओपी फॉर्म बन गई, ए बार बी प्लस ए बी बार, तो ये हमारी एसओपी फॉर्म बन गई फ्रॉम द ट्रुथ टेबल। यही चीज हमने करनी है, हमारे पास ट्रुथ टेबल दिया होगा, हम उसको एसओपी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय कंसिडरिंग ओनली वाई इज इक्वल टू वन। जिस जिसमें वाई इज इक्वल टू वन है वही कंसिडर करेंगे, वहीं से हम आउटपुट जो है एक्सप्रेशन बना देंगे, ठीक है। तो इन्होंने भी ये किया है, y is equal to 0 है इसको नहीं कंसिडर करना, आगे y is equal to 1 है ये दोनों कंसिडर करेंगे, और y is equal to 0 है इसको नहीं कंसिडर करेंगे, राइट। सो नेक्स्ट है, ये एग्जांपल उसी की है, उन्होंने आगे क्या किया था, वाई वन और वाई टू की इक्वेशन लिख दी, बूलियन एक्सप्रेशन लिख दिया, मतलब इसकी मेन टर्म्स लिख दी, उसके बाद उन्होंने इन दोनों को एड कर दिया और कर दिया, तो ये बन गया हमारा एक्सप्रेशन। अब इसको मिन टर्म में लिखना हो तो वो कैसे लिखेंगे, अब ये पता है कि a बार b, ये हमारी जो है ये बेसिकली m1 बनती है, ठीक है, ये m1 है, ये m0 है, ये m1 है, ये m2 है, ये m3 है मिन टर्म्स में, राइट। अब इसको a बार b को उन्होंने m1 लिख दिया, a b बार जो है ये वाली जो है ये m2 है, तो इसको उन्होंने m2 लिख दिया। अब डायरेक्ट इसको भी लिख सकते हैं हम ऐसे मिन टर्म्स के अकॉर्डिंगली, अदर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन में, सम छोटा एम मिन टर्म्स के लिए और पोजीशन उसकी 1, 2, तो ये एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, ये एक्सप्रेशन भी चलेगा, ये एक्सप्रेशन भी चलेगा, दोनों सही है हमारे, राइट। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है, आप करिए मेरे साथ। अब ये ट्रुथ टेबल दिया है, इसमें हमने ये 8 कॉम्बिनेशंस है, इसका एसओपी फॉर्म बनानी है, मतलब फॉर अ गिवन ट्रुथ टेबल राइट द लॉजिक एक्सप्रेशन इन द स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म। लॉजिक एक्सप्रेशन लिखना है एसओपी फॉर्म में, कैसे लिखेंगे, हमने सिर्फ वो चेक करना है जिसमें y इज इक्वल टू वन है, तो इन्होंने शेड किया हुआ है उसको, ब्लैक एड किया हुआ है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है y,
वन एक यहाँ पे है, मतलब तीन टर्म्स बनेंगी इसकी, तीन मेन टर्म्स। पहली की क्या बनेगी, ये देखो ए जीरो है, बी जीरो है, सी वन है, तो इसको लिख दिया ए बार बी बार सी, और ये फर्स्ट पोजीशन है एम की, ठीक है। मतलब जीरो जीरो वन इज वन, बाइनरी का वन होता है इसलिए एम वन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ये वाली क्वेश्चन है, इसमें इनपुट क्या है, ए वन है, बी जीरो है, सी जीरो है, ये बन गई ए बी बार सी बार, और 100 में पता है 4 होता है बाइनरी का, इसलिए ये बन गई एम फोर, राइट। नेक्स्ट हमारे पास ये वाली वाई इज इक्वल टू वन है, यहाँ पे क्या था, ए वन है, बी वन है, सी वन है, अब ये तीनों वन है इसलिए ये बनी ए बी सी, ए बी सी वन 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 है, वन 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 मतलब 7, तो ये बन गई एम 7। अब तीनों टर्म्स को हमने इंडिविजुअल को सम कर दिया, तीनों का एसओपी फॉर्म बनानी है ना, तो तीनों को अलग अलग से सम कर दिया, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। अगर मैं इसकी मेन टर्म के अकॉर्डिंगली लिखूं एक्सप्रेशन को, तो क्या बनेगा, सम छोटा m, देन पोजीशन कौन कौन सी थी, फर्स्ट फोर्थ एंड सेवन, तो इसको यहाँ पे वन लिखना है, ये वन फोर एंड सेवन, तो ये हमारे पास ऐसे एक्सप्रेशन बन के आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये एक्सप्रेशन भी एज इक्वलेंट है इसके, ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है, तो किसी तरह भी हम आउटपुट दे सकते हैं, राइट। ये हो गया हमें, आई होप आपको क्लियर हो गया हो कैसे ट्रुथ टेबल से एसओपी फॉर्म बनानी है। नेक्स्ट है ट्रुथ टेबल से पीओएस फॉर्म बनानी है। अब सेम ट्रुथ टेबल से हम एसओपी भी बना सकते हैं, सेम पीओएस भी बना सकते हैं, पर दोनों में बहुत फर्क होगा। एसओपी बनाने टाइम हम वाई इज इक्वल टू वन देखते थे, पीओएस बनाने के समय हमें वाई इज इक्वल टू जीरो वाली टर्म्स उठानी है। वी विल कंसिडर ओनली दोज कॉम्बिनेशन विच गिव्स द आउटपुट वाई इज इक्वल टू जीरो, राइट। अब उनको आपस में मैक्स टर्म के अकॉर्डिंगली लिखना है। मैक्स टर्म क्या होती है, जो सम टर्म्स होती है, मतलब ए प्लस बी, इसमें हम एंड नहीं यूज करेंगे, इसमें और यूज करेंगे बीच में वेरिएबल्स के, राइट। नेक्स्ट जब सारी टर्म्स बन जाएंगे इंडिविजुअल, उन सबको हम बीच में से एंड कर देंगे, वो बन जाएगी पीओएस फॉर्म, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ट्रुथ टेबल दिया है, इसमें दिया है इन्होंने क्वेश्चन है, राइट द लॉजिक एक्सप्रेशन इन स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म फॉर द ट्रुथ टेबल गिवन इन टेबल। अब ये एक ट्रुथ टेबल है, आपने क्या करना है, जहां पे y इज इक्वल टू जीरो आ रहा है वो टर्म्स को अलग कर लेना है, मतलब उसको डार्क कर लेना है या उसको अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। अब ये वाली टर्म पे y इज इक्वल टू जीरो है, देन दिस टर्म, देन चार टर्म्स है इसमें, तो ये चार टर्म्स बनेंगी, चार मैक्स टर्म। अब ये जीरो 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 है, जीरो 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 पे मैक्स टर्म बनाने टाइम हम जहाँ पे जीरो आता है वहां पे ए अकेला वेरिएबल को अकेला लिखेंगे, तो वो बन गया ए प्लस बी प्लस सी, और जीरो 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 जो होती है वो जीरो पोजीशन होती है, इसलिए इसको कैपिटल एम जीरो लिख दिया। नेक्स्ट इज आवर जीरो वन वन, जीरो वन वन पे क्या है, ए जीरो है, बी वन है, सी वन है, मतलब बी को बार सी को बार, और इसको लिख दिया ए प्लस बी बार प्लस सी बार, और 011 जो होती है वो थर्ड पोजीशन होती है, मतलब बाइनरी की 3 होता है, इसलिए इसको M3 लिख दिया। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला 0, इस पे है A1 B0 C1, तो B को एज इट इज लिख दिया, जहां पे 1 था A पे और C पे उसको बार लिख दिया, A बार प्लस B प्लस C बार, और ये 101 5 होता है बाइनरी का, इसलिए इसको M5 लिख दिया, ठीक है। और लास्ट में ये वाली है 110, इसमें हमने लिख दिया ए बार प्लस बी बार प्लस सी, और ये 1106 होता है, इसलिए इसको M6 लिख दिया, ठीक है। चार टर्म्स आ गई हमारे पास, अब हमने क्या करना है, इन चारों को प्रोडक्ट कर देना आपस में, इन सब में एंड ऑपरेशन लगा देना, तो ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म जो हमने निकाली थी, ये तीसरी टर्म और ये चौथी टर्म, इन सब में प्रोडक्ट लगा दिया, मतलब इन सब को एंड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे डॉट लगा सकते हैं और ब्रैकेट भी चल सकती है। अब हमने इसकी पोजीशन जो नोट की थी वो थी M0, M यहाँ पे M3, M5, M6, तो हमने इसको इस तरह भी लिख सकते हैं अदर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन में, ये जो है ये प्रोडक्ट का है फॉर्मूला, ठीक है। और यहाँ पे कैपिटल M भी लिख सकते हैं आप साथ में, कैपिटल M के यहाँ पे कैपिटल M लिखना है, ठीक है, और साथ में ब्रैकेट डाल के असेंडिंग ऑर्डर में पोजीशन लिख देनी है M की, दैट इज 0, 3, 5, 6, तो ये भी हो सकता है आंसर इसका, ये भी हो सकता है, दोनों आंसर ठीक है। अब ट्रुथ टेबल से एसओपी बनानी भी आ जानी चाहिए आपको, ट्रुथ टेबल से पीओएस फॉर्म भी बनानी आ जानी चाहिए आपको, ठीक है, हम कर चुके हैं। नेक्स्ट इज, अब मेरे पास उन्होंने बोला है कि रिलेशन क्या है। अब हम एक ही ट्रुथ टेबल से एसओपी भी बना सकते हैं कि ट्रुथ टेबल से पीओएस भी बना सकते हैं, पर क्या हम मिन टर्म से मैक्स टर्म बना सकते हैं, और क्या हम मैक्स टर्म से वापस मिन टर्म में आ सकते हैं, तो द आंसर इज यस। कैसे आ सकते हैं,
SOP expression for four variable is given by, अब हमें सबसे पहले क्या करना है, एक एक्सप्रेशन दिया है, अब ये हमें पता होना चाहिए एसओपी फॉर्म का है या पीओएस फॉर्म का है। तो आप अपने माइंड में रख चुके हैं ये एसओपी फॉर्म है, कैसे पता चला, एक तो ये सम लगा हुआ है, ठीक है, सम है, सम की सिंबल है, और ये छोटा एम दिया है, छोटा एम है मतलब मिनटर्म है, मिनटर्म जो होती है वो एसओपी फॉर्म के साथ होती है, ठीक है। अब ये उन्होंने बोला कि फोर वेरिएबल का एक्सप्रेशन है, फोर वेरिएबल मतलब हम कहां से कहां तक लिख सकते हैं इसको, जीरो से 15 तक लिख सकते हैं, मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है जीरो से 15 तक की। टू रेस टू पार एन करते हैं, टू रेस टू पार फोर करेंगे तो वो 16 बनेगा, ठीक है। अब टोटल 16 वैल्यूज होंगी, मतलब फोर वेरिएबल की 16 कॉम्बिनेशन होंगे चार वेरिएबल के, और वो कहां से कहां तक होंगे उसकी पोजीशन, जीरो से लेके 15 तक, ठीक है। तो जीरो से लेके 15 तक हम यहाँ पे ये टर्म्स उन्होंने दी है, ये कहते हैं ये मीन टर्म है, मतलब ये एसओपी फॉर्म है, इसको हम डायरेक्ट मैक्स टर्म में बदल सकते हैं, पीओएस में बदल सकते हैं। वो कैसे बदलेंगे, जो जो भी गायब है, जैसे जीरो है हमारे पास, वन है बट टू नहीं है यहाँ पे, ऐसे ही थ्री है फोर नहीं है, फिर फाइव है सिक्स है सेवन है एट नहीं है नाइन नहीं है टेन नहीं है, देन इलेवन है ट्वेल्व है थर्टीन नहीं है फोर्टीन नहीं है, तो जो जो टर्म मिसिंग है वो हम पीओएस में लिख देंगे, तो ये बन जाएगी मैक्स टर्म या पीओएस फॉर्म। अब इसमें क्या किया, y इज इक्वल टू ये वाला जो है, ये फॉर्म हमें पता है पीओएस का सिंबल है, प्रोडक्ट का सिंबल है, ठीक है, तो इसके साथ कैपिटल M लिख दिया, और बीच में कौन सी वो लिखी पोजीशंस जो एसओपी में नहीं थी, जैसे यहाँ पे जीरो वन है टू नहीं थी तो हमने टू लिख दिया, फिर थ्री के बाद फाइव था, फोर नहीं थी फोर लिख दिया, देन एट नाइन टेन नहीं थी तो वो हमने लिख दिए एट नाइन टेन, देन यहाँ पे देखिए 11, 12 है, 13, 14 नहीं थी तो वो 13 एंड 14 लिख दिया। तो ये क्या बन गया, हमारे पास SOP गिवन थी, हमने वहां से POS निकाल ली फॉर्म, मतलब मैक्स टर्म वाली फॉर्म निकाल ली। तो ये आपस में रिलेशन होता है, और ये रिलेशन जो होता है ये कम्प्लीमेंट्री रिलेशन होता है, वाई इज इक्वल टू वन जिसमें होगा वो SOP फॉर्म के लिए होगा, वाई इज इक्वल टू जीरो जिसके लिए होगा वो POS फॉर्म के लिए होगा, ठीक है जी। तो ये टॉपिक आपको आई होप अंडरस्टैंड समझ गए होंगे यहाँ तक। अब हमारे पास जो मेन टॉपिक है, पहले आप ये टॉपिक यहाँ तक करिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा द इम्पॉर्टेंट टॉपिक।